नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। देश के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में वृहद हाई स्पीड ट्रेन्स का जाल बिछ रहा है, जिसमें कि काशी अर्थात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की भी मुख्य भूमिका सामने आ रही है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वर्तमान परिस्थिति, वाराणसी में कहां से गुजरेगी बुलेट ट्रेन, दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन से वाराणसी के किन गांवों को होगा लाभ, कब से होगा बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण तथा जानेंगे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत एवं विशेषताएं। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलेट ट्रेन को लेकर ड्रीम प्रोजेक्ट अब एक कदम और आगे बढ़ा है। दिल्ली के सराय काले खां से चलकर वाराणसी पहुंचने वाली बुलेट ट्रेन के लिए एलिवेटेड ट्रैक यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बिछाया जाएगा। इस बुलेट ट्रेन में दिल्ली से बनारस के मध्य में 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं। दिल्ली के सराय काले खां से आरंभ होकर ट्रेन बनारस के मंडुआ डीह तक जाएगी। इस बीच दिल्ली के साथ नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी के मंडुआ डीह में स्टेशन बनेंगे तथा एक स्पेशल लाइन का भी निर्माण होगा जो लखनऊ से अयोध्या के मध्य में 135 किलोमीटर की बनेगी तथा इसके बनने से बुलेट ट्रेन के स्टेशनों की सूची में अब अयोध्या भी सम्मिलित होगा। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन के लिए एक हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा जो उत्तर प्रदेश के 22 जिलों तथा दिल्ली के 2 जिलों से होकर के गुजरेगा। इसमें बनारस के 2 तहसीलों राजा तालाब व सदर के 30 गांव प्रभावित होंगे। वाराणसी से दिल्ली के लिए बुलेट ट्रेन 810 किलोमीटर की दूरी मात्र 3 घंटे 40 मिनट में तय करेगी। अब यदि इस बुलेट ट्रेन परियोजना में आए नवीन परिवर्तन व वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दें तो आपको बता दें कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन के लिए इसी वर्ष फरवरी माह में लेडार सर्वे हुआ था तथा लगभग 8 महीने के परिश्रम के पश्चात भारतीय रेलवे के उपक्रम NHSRCL अर्थात नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने DPR तैयार कर लिया है तथा बीते 9 नवंबर को यह रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंप भी दिया है। शासन से आदेश मिलते ही जिला प्रशासन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरम्भ कर देगा। वाराणसी की बात करें तो पूर्वोत्तर रेलवे के ज्ञानपुर ट्रैक के किनारे से बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह कॉरिडोर वाराणसी के 30 गांवों से 22 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसके लिए कुल 100 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। पूर्वोत्तर रेलवे के ज्ञानपुर ट्रैक के किनारे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए भूमि की खोज पूरी हो गई है। अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की जानी शेष है, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ करने की प्रतीक्षा जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता के लिए प्रत्येक गांव में समितियां बनाई जाएंगी। किसानों की सहमति से भूमि को क्रय किया जाएगा। इससे पहले समाचार पत्र में अधिग्रहण की सूचना भी प्रकाशित होगी। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट से 4 गुना तथा नगरीय क्षेत्र में 2 गुना क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। वाराणसी से दिल्ली तक हाई स्पीड कॉरिडोर से एक शाखा कॉरिडोर भी जुड़ेगा, जिससे लखनऊ होते हुए भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या तक लगभग 135 किलोमीटर की यात्रा भी किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से दिल्ली तक जिस बुलेट ट्रेन की परिकल्पना की गई है उसे अब धरातल पर उतारने को लेकर के बड़ी सफलता मिल गई है। जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी में बुलेट ट्रेन के ट्रैक निर्माण के लिए जिन गाँवों में भूमि अधिग्रहण होंगे उनके नाम है गुड़िया, पूरे, लक्छापुर, रायपुर, भंजनपुर, रखौना, चित्तापुर, कंचनर, असवारी, जगतपुर, नरौर, हरदतपुर, बैरवन आदि। यह भी बता दें कि बुलेट ट्रेन के हाई स्पीड कॉरिडोर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य होना है, परंतु अब तक इस बाबत कोई शासन का आदेश नहीं मिला है। नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई होगी। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को नई दिल्ली बुलेट ट्रेन से जोड़ने के लिए प्रस्तावित योजना का DPR तैयार हो गया है, परंतु सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड को सौंपी गई DPR में अयोध्या फिलहाल सम्मिलित नहीं है। पूर्व में अयोध्या धाम को भी बुलेट ट्रेन से संशोधित DPR का हिस्सा बताया गया था, क्योंकि लीडार सर्वे में अयोध्या को भी सम्मिलित किया गया था, परंतु अयोध्या वासी आश्वस्त रहें, आगे अयोध्या को बुलेट ट्रेन में अवश्य ही जोड़ा जाएगा
और यह बीते दिनों उत्तर प्रदेश के प्रमुख विकास परियोजनाओं की सूची में लखनऊ अयोध्या बुलेट ट्रेन को भी बताया गया था। अभी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से DPR के संबंध में इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अधिकृत जानकारी के पश्चात ही अयोध्या को लेकर की स्थिति और साफ होगी। बुलेट ट्रेन का प्रस्तावित मार्ग दिल्ली के सराय काले खां से आरंभ होकर गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ होते हुए प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर होकर के मंडुआ डी में आकर के समाप्त होगा। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली भी सम्मिलित है। अब हम यदि इसके आगे की जानकारी दें तो आपको बता दें कि NHSRCL द्वारा बनाए गए DPR को रेल मंत्रालय की ओर से स्वीकृति मिलने के पश्चात इसे कैबिनेट की स्वीकृति की भी आवश्यकता होगी एवं कैबिनेट की स्वीकृति के पश्चात ही नई दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल मार्ग के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा एवं तभी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी आरंभ होगी। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन लगभग 810 किलोमीटर की लंबी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की परियोजना है जिसकी लागत लगभग 1,21,000 करोड़ रुपए है तथा अयोध्या को बुलेट ट्रेन मार्ग में जोड़ने के पश्चात अब इस परियोजना की लागत लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए होगी। अयोध्या में एयरपोर्ट के ठीक सामने स्टेशन बनाया जाएगा, इसकी भूमि चिन्हित कर फाइनल भी कर दी गई है, साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी से NOC मांग ली गई है। यह भी बता दें कि इस परियोजना में ट्रेन चलाने के लिए अलग से पटरियां बिछाई जाएंगी जो 10 मीटर ऊंची होंगी, साथ ही बड़े शहरों के ट्रैफिक को देखते हुए कुछ शहरों में भूमिगत लाइनें भी बिछाई जाएंगी। इसमें लखनऊ व आगरा सम्मिलित हैं। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण दिल्ली से आगरा तक का होगा, दूसरा चरण आगरा से लखनऊ, तीसरा लखनऊ से प्रयागराज और अंतिम व चौथा चरण होगा प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक। पहले फेज को वर्ष 2024 से 25 तक में पूरा करने का लक्ष्य है। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव हो तो वह भी अवश्य बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।